सीन्स कुछ ये हैं कि अभी अभी उठी हूँ सो के, और जो सेरेलाइटिस मुझे शादी के दिनों में भी हुआ था, लारिप उसके बाद हुआ, और अभी फिर से मुझे वही प्रॉब्लम है। और आज लारिप की बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम लोग, और मुझे बहुत मुश्किल हो रही है यार। मतलब मुझे चलने में बहुत पेन आ रहा है, और इसके अलावा मेरे कान में भी दर्द है। सब कुछ हो गया है, और बर्थडे अब क्या करें, सब कुछ मैनेज भी करना है, और हूँ भी अकेली, और लारिप के बगैर हर काम करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि मुझे ये पहली और आखिरी बर्थडे है जो मैं लारिप के बिना कर रही हूँ। वरना मैं हर दफ़ा बोलूँगी कि भाई बर्थडे है और ये काम ही मुझे करके दें, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं कर सकती उनके बगैर। अभी खैर मैंने उनका गिफ्ट लिया है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। इसको पैक करना है और मुझे पैक करना नहीं आता, आप लोगों को पता है। पिछली दफ़ा भी पता नहीं क्या ही किया था, और इस दफ़ा तो जो जैजी ने ला के दिए हैं ना पेपर, ये बहुत छोटे हैं यार ये, लेकिन इतना बड़ा पेपर आता भी तो नहीं है ना जो पूरे पे आ जाए। तो इनको टुकड़ों टुकड़ों में लगाना है, और अब बस अब ये लगाती हूँ, देखते हैं क्या होता है। और मेरे सोए हुए मुँह को इग्नोर करिएगा, या सो के उठ के हर बंदा ऐसा ही लगता है। और मैंने उठते ही तेल लगा लिया क्योंकि मुझे नहा के जाना है। तो ये है गिफ्ट रैप, ये हमारे पास और भी पड़े हुए हैं, और ये इन सबको यहाँ पे हमें लगाना है, अलग अलग लगेंगे ये। और मैडम ने टाइम लैप्स पे लगा दिया मेरे सरप्राइज गिफ्ट की पैकिंग का पूरा कारवां, जिसको मैंने और तेज कर दिया। इसमें आई हैव कैरीड सम एसेंशियल्स ऑफ लारिप के, पूल वगैरह में जाना होगा तो ट्राउजर्स वगैरह उनके लिए रखे हैं, सॉक्स वगैरह रखी हैं। क्या याद करेंगे लाली, आप क्या याद करेंगे। फाइनली आफ्टर पता नहीं फुल एक घंटे के बाद हम लोग फाइनली लोकेशन पर पहुँचे हैं, और लुक एट दिस, इट्स सो प्रीटी। और ये भी डेकोर का काम अभी स्टार्ट हो रहा है, और आई गेस के लारिप भी पहुँचने वाले हैं। दिस इज़ द लोकेशन गाइज, अभी पीछे सेटअप हो रहा है और फूल अच्छा है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी फूल में, मुझे डर लगता है, आई एम हाइड्रोफोबिक। ये मेरा हुलिया इस टाइम में जहाँ आई हूँ, और मेरी आज सच में मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है ना आज, कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। और मुझे शादी के दिनों में भी मैं ऐसे ही थी, इतनी बीमार, और आज भी मैं ऐसे ही हूँ। और बस लारिप पहुँचने वाले थे, मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि मैं फटाफट जो है वो अब लारिप को बुला लेती हूँ कि बस वो आ जाए, क्योंकि मैं बहुत अकेला अकेला फील कर रही हूँ। तो बस फिलहाल मैं उनको बोल रही हूँ कि वो आ जाएं, क्योंकि सालिक भाई और रेडी भाई को मैंने बोला है कि आप वो लेकर आ रहे हैं उनको, तो मैं उनको बोलूँगी बस वो पहुँच जाएं लेकर। बेस्ट थिंग अबाउट के दे हैव डीप फ्रीजर, और यहाँ पर मैंने केक्स और डोनट्स वगैरह रख दिए बंद करके, और मैं थोड़ा सा राउंड लगाऊंगी कि भाई ये कैसा है यहाँ पर। अरे गेम्स भी हैं, मुकाबले करेंगे हम यहाँ पर। ये जो है वो हमारे एक मेरे देवर बल्कि मेरे जेठ हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं फंस के आया हूँ, मुझे नहीं पता था। इधर हो जाए, धूप आ रही है आपके चेहरे पे। बिल्कुल अकेला था, मेरे सामने फंस गया था, मेरी गाड़ी की हालत बता रही है। ऐसे ऐसे मट्टी उड़ रही थी। लेकिन वेरी आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आप मेरे बहुत अच्छे जेठ साबित हुए, बिल्कुल टाइम पे पहुंचे आप। देवर नहीं जेठ है, नहीं नहीं आप देखने में जेठ लग रहे हैं। नहीं वो लोग भी पहुंचे हैं और लारिप को ले लेके घूम रहे हैं, क्योंकि अभी तक डेकोर नहीं हुआ है, तो मैंने उनको बोला कि आप 5 तक। बिल्कुल घबराना नहीं है, पाक फौज जिंदाबाद। और उसके बाद आपने मंडी वाला रास्ता नहीं लेना, वहाँ से हम फंस गए हैं, वहाँ पे स्ट्रेट जाना है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, टूल से घूम के आओ। हाँ बस सही है, बच्चे को गुड, वेरी गुड। खुशनूत भाई दिखा दें, ये हमारा शूट करेंगे इंशाल्लाह। ये ट्यूब को खुला रहे हैं हम अभी, इसमें हवा भर रहे हैं ट्यूब में। ट्यूब छोटी है, उन्होंने बोला सबसे बड़ा साइज है। पूरे फार्म पर जो है वो हलचल मच गई, क्योंकि लारिप ने मुझे बोल दिया कि वीडियो कॉल पर आओ, और मैं इतने सुकून से बैठी हुई थी, और अब मुझे मैं भाग रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ, क्योंकि मैं कहाँ पर बैठ के उनको कॉल करूँ, उनको शक नहीं हो, समझ नहीं आ रही। दिस इज़ वेरी बैड लारिप, मतलब आपको पता है मेरी तबीयत सही नहीं है, आप मुझे तंग कर रहे हैं, यू आर इरीटेटिंग योर वाइफ। और आई डोंट नो कि अभी विदाउट मेकअप और विदाउट मुंह धोया हुआ मेरा मुंह कैसा हो रहा है, लेकिन प्लीज़ एक्सेप्ट दिस, क्योंकि बीमार हालत में मैं ऐसी होती हूँ। और मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया, मुझे इतनी प्यास लग रही है अभी, और अभी पानी जैजी लेकर आ रहा है। खैर आगे भाई ने जो है वो ट्यूब जो है वो हमें उसमें हवा भर दी है, अभी बिस्मिल्लाह ध्यान से, अभी हम इसको चेक करें, वो बोल रहे हैं चेक करना पड़ेगा। हाँ सोचा था लेकिन वो मिला नहीं, लेकिन गाइज आई विल डू आहिस्ता आहिस्ता स्टफ, और आई होप सो कि लारिप को अच्छा लगता है। यार लारिप आ गए, अभी तक डेकोर नहीं हुआ है, लेकिन खैर मैं उनका वेलकम कर रही हूँ। लारिप को बाल वाल बनाने होंगे, मैं उनका सामान लेकर आएंगी, तो मैं अभी तब भी रेडी हो जाऊँगी, बस अभी मैं खड़ी हुई हूँ, उनकी आंखों पर हाथ रखेंगे ताकि वो सेटअप नहीं देखें, उनको रूम में जाकर बिठा दें। करते हैं।
पुरैम की गाड़ी है ना भाई, तो सारा सरप्राइज खराब हो गया। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मैं आपको बता दूंगी जब आपको कदम उठाने होंगे। पर ना अभी तो दिन है ना, कुछ आया क्या चलने ना, तो अभी चंके छोटी खा लिया तो मेरे बर्थडे पे क्या खा जान। मैंने अपने बर्थडे पे क्या खाना। ये बच्चा कौन है? कौन बच्चा? आपने मुझे कॉल किया ना, इतने जहर लगे आपने, आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए मैंने नीचे कर दिया कि इनको बाहर दिखे नहीं, बैठ जाएंगे। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और लारे खालिद जो है वो तो जिस लिए मैं आप देख ही चुके हैं गाइज, ये मेरा बदला हुआ कंप्लीट। लेकिन मेरा बदले का कोई इरादा नहीं था, मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं लारे के लिए ड्रेस अरेंज कर लूँ लेकिन वो नहीं हो सका। खैर अभी ये जो मैंने गले में पहना है बेसिकली बालों पे लगाने वाला है, लेकिन आपकी बहन ने इसको गले में पहन लिया है। और बस अभी फटाफट हम पिक्चर्स करेंगे और उसके बाद जब तक सब आ जाएंगे तो केक कटिंग करेंगे और उसके बाद हम अपना एंजॉय करेंगे। बस खत्म, टाटा बाय बाय। अच्छी लग रही है गाइज। अच्छा क्या किया मेरे साथ आपने? जो आपने मेरी बर्थडे पे मेरे साथ करने की भरपूर कोशिश की थी, आप कामयाब। आप मेरी बर्थडे के कंपेयर में बहुत अच्छे हुलिये में हैं गाइस। आप लोग देख सकते हैं कि मैं मेरे बर्थडे पे कैसे थी। मेरी कोऑपरेटिव लेडी बने के पहले तो ये बहुत थैंक यू आपका, बहुत वेलकम। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जरनाब का पता था कि 12 बजे सरप्राइज है, 12 बजे आ रही भी थोड़ा तैयार हो जाए एक दिन पहले 24 की शाम में। क्योंकि मुझे 25 को पोस्ट करना है ना, तो फिर 24 को 25 को करते तो पोस्ट कब करते? मेरी प्यारी बेगम, इतनी बीमार होने के बावजूद आपने जितनी एफर्ट किया, मैं जितना बीमार होने के थैंक यू। बस ये अल्लाह जानता है, अल्लाह के बाद मैं जानता हूँ और मैं भी जानता हूँ। मेरा बबलू, थैंक यू सो मच कुकू। फाइनली जैजी और अहमद आ गए हैं और मेरा भाई तो बेचारा डायरेक्ट ट्रेन से उतर के और यहाँ आ गया, और जैजी बिहाइंड एवरी एफर्ट सारा सामान लेकर अभी अभी पहुंचे। बेहतरीन से भाग मिल्कर भाग वाली रील्स हमारी शुरू हो गई और इंशाल्लाह ताला आपको जल्द देखने को मिलेंगी, तो स्टे ट्यून्ड। शूट हो रहा है हमारा और लारे खालिद ने कपड़े चेंज कर लिए कुछ को चेंज किए और ऐसे बदतमीज दोस्त है कि 4:30 का टाइम दिया था। लारे टाइम बताइए क्या हो रहा है? 7:08 हो रहे हैं और आज के बाद जो जो लोग इन्वाइटेड थे उनमें से किसी का भी इवेंट होगा तो आई विल बी डबल लेट। बस जैसे ही शूट होगा तो उसके बाद हम जो है वो मैं केक कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मैं सबसे नाराज हूँ क्योंकि मैंने सबको बहुत बाकायदगी से बोला था कि 4:30 आना है। और ये किस तरह का ऑड सरप्राइज इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग था कि मुझे वाकई नहीं पता था कि कुछ इस दिन में होगा, क्योंकि ऑफिस पता होता है रात को 12 बजे। तो मतलब अब हाँ एक्सेप्ट वाजिद, क्योंकि वाजिद रस्ते में वो 2 घंटे से बेचारा ख्वार हो रहा है लेकिन वो निकला हुआ, बाकी सबसे आई एम डैम नाराज। भाई लारे तो झूठ बोलकर लाए, प्लॉट ले रहे इस बंदे का कारनामा है सारा। डेरी भाई कितने लाख डाउन हो आप लारेब से? 6 लाख। 3 प्लॉट की बात हुई थी ना? हाँ 3 प्लॉट। ठीक है 6 लाख रुपए आपको देना। ये बेचारा गरीब है, 30% इसकी कोई गलती नहीं है, ये यूं ही पिस गया है। अरे बंदा डिसाइड कर रहा है कि चप्पल पहनूं या शूज पहनूं और यहाँ पर शूट चल रहा है। यहाँ डिसाइड किया जा रहा है कि चप्पल पहने शूज पहने के क्या पहने। भैया जो चप्पल थे वो अच्छे लग रहे हैं। सबके लारा बर्थडे कैसा लग रहा है? मेरी मैडम ने जो है ना फुल कॉर्पोरेट लेडी बनी हुई है और इन्होंने जो है ना कहा ये थैंक्स टू माय सुपर यंगर ब्रदर जो है वो थैंक्स टू जैजी फॉर एवरीथिंग। मतलब वो बेचारा इसका बहुत साथ दिया करना आपका। हम अभी शूट कर रहे हैं तो वो बेचारा सामान उठा के मजदूरों की तरह कभी यहाँ जा रहे कभी वहाँ। और आप यकीन माने कि जनाब से मैं ऑब्वियसली जनाब का बहुत दिल था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करें, पर मेरा यही डिमांड होता है कि ये हंसी खुशी बस 25 तारीख का दिन गुजार दें तो मेरा गिफ्ट यही होता है। आसमान पे चांद 6 लाख तो मेरा निकलता है। सो फाइनली अभी लारे खालिद का शूट हो रहा है, ये खुशनूद ये भाई वीडियो बना रहे हैं और मीसम हैप्पी 27 टू द लव ऑफ माय लाइफ। इस कदर क्या ज्यादती, सब कैसे पहुंचे, सिर्फ आप नहीं पहुंचे। नहीं नहीं यही है। अबे कुछ टिकटॉकर तो 18 से बड़े नहीं हो रहे, मैं तो फिर 27 लिख रहा हूँ। हमारे पूरे इवेंट पे शहद आया हुआ है। वो किधर है? है हमारे साथ है वो भी 3 बजे। आप आके झूठ बोल, आप आके बंद करो, शहद आ गया, खोलो गया। अच्छी जगह ले जाने के लायक ही नहीं है। यही मसला है बिल्डर लोगों का, यही मसला है। ये
मगर जो है ना इनके साथ होगा ना वो हम इस बर्थडे के बाद करेंगे। केक कटा है और फौरन बिस्किट बिस्किट अभी एक एक जैजी के लिए किधर गया जैजी को आधा दे देंगे जैजी येरा जैजी का जैजी ये देख भाई मैंने ना भैया नहीं मैंने अहमद को भी अहमद भाईजान खाना खाया आपने जैजी ने नहीं खाया ये तीन प्लेट ऐसी ने खाई है ये तीनों प्लेट ऐसी ने खाई नहीं सकता साथ बैठा हुआ था जैजी की शक्ल बता दी उसको भूख लगी मैम कैसी हैं आप मैं बिल्कुल थैंक यू सो मच वेलकम बीमार बेगम ने इतनी एफर्ट करी मेरी अल्लाह आपको बताइए कि मेरे साथ एफर्ट क्या थी चलो खाना खाने चलो खाना खाए चलो शाबाश आ जाओ चल भाई तेरे भाई मेरा भाई तेरा इधर आओ ये उम्र है तेरी भाई जान एक्सपेरिमेंट हो रहा था डेटी सालिक को बिठा जरनाब जिद कर रही है सालिक से कि सालिक है ना इसके ऊपर झूला चले आ रहे बाजे कैसे लगेगा इसके ऊपर एक गाय ट्यूब के ऊपर नहाते हुए गाय वाय क्या होता है यार बछड़ा बोल बछड़ा इतनी सी बात चले ए नाइजीरिया का प्रिंस मालदीव में घूमते हुए अडेडी का तेरी बारी है जरना पर भाई नहीं जाएंगे जब वो चलेगे तो आप भी जाएंगे अब ज्यादा ओवर होंगे तो गिर भी सकते हैं अफ्रीका का पेंगुइन पागल हो गया पानी देख के अब तो इसको हिलाता रहना पहुंच जाएगा शाबाश चले सारे रिटायर्ड लोगों को जरनाब बिठा रही है लाली गिरेगा आगे पकड़ अरे शक्ल तो देख ए राम 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 एक मिनट रुक जा जेडी के रंग कैसे होने में अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप लोग सब ये है मेरा शो जिसका नाम है ऑन द पूल विद जानसिफ राशिद गौर से देखिए उस शख्स को जो अबे गिफ्ट तो ले लो पैसों के लिए हां यही तो ले लो टैग भी वहीं उतारा मैंने या पहले तो देखा पकड़ कर पकड़ हो गया वैसे आपस की बात है इसको तो मुझे कम से कम 25-30 हजार जोड़े देने चाहिए मैंने बोला अब क्या फायदा सवाल शुदा गिफ्ट अब क्या फायदा छोड़ लोग ब्रांड पहनते हैं HSY अभी यार 3 साल से रोने प्रमोट करता हूं मैं इसको यार जैसे को डर कितना लग रहा है नहीं डर रहा मेरा पार्ट नहीं डालना क्यों इसकी शक्ल भी डरी हुई थी ये वो शक्लें ये स्पेशली ये है वो शक्लें खुरैम को खुरैम छोटा भाई है इसलिए खुरैम से मुझे बताया ही नहीं था अब मेरी बात सुनो इसने क्या बोला इसने बोला जरनाम ने तो 4:30 बोला है पोस्ट वर्ड के साथ तो बजी जाएगी ये इसके पास से नहीं अच्छा बोला से फिर कैंसिल वरना मैं इसकी सिफारिश करने आया था कि बूमरैंग की कंपनसेशन में इसको माफ किया पर अब नहीं किया अब नहीं किया थैंक गॉड जरनाम मान गई मैंने 10 मिनट मूड में आया ये मेरा भाई अच्छा लग रहा है इसलिए इसको माफ किया हमने लेकिन मुझे रविका ने बताया मुझे तो बुलाया गया हाँ बुलाया गया लुक देख रहे हैं मतलब हीरो अपने आप को समझ रहे हैं मैंने रखा है ये लाली का गिफ्ट मैंने अनपैक कर दिया इसको भी सब बोल रहे थे कि इसको अनपैक कर दो क्योंकि मैंने बहुत बुरा पैक किया था और सब बोल रहे थे कि इसका अपना बॉक्स अच्छा होता है तो फिलहाल जो है वो लाली को हम जो है वो गिफ्ट देने जा रहे हैं यहाँ पे लाइट होगी वॉशरूम में फिलहाल जो है हम को जा रहे हैं मेरा भैया बहुत बुरा हो रहा है लेकिन मैंने चेंज कर लिया था सो आई केप्ट दीज टू फॉर द 12 AM सेलिब्रेशन और ये केक इसमें लिखा हैप्पीएस्ट 27th माय हस्बैंड और ये मैं अपने हस्बैंड के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने बनवाया क्या हुआ यार यकीन नहीं रहा कि हुसैन ने ऐसी क्या बात की सब हंस रहे हैं बढ़ गई है लारिफ की लाली पीछे नहीं देखना प्लीज पीछे मत देखना लाली यही लगाओ यही खेलो ये खेलेगा हैप्पी बर्थडे लारिफ
हैप्पी बर्थडे माय हस्बैंड। अच्छा लाली लीस्ट एक्सपेक्ट क्या किया था? लाली रोने वाला है अभी भाई, अभी बैठे रोने का नहीं, खेलने का। अभी बैठे बैठे लाली ने PS5 का जिकर किया था कि मेरे पास 2 लाख ऊपर आएंगे तो मैं PS5 उठाऊंगा। और ये तो भाई गलत ही प्लान था बिल्कुल। छोटा बच्चा रो गया, कैमरा बंद कर दिया था मैंने यार, इमोशनल हो गए। मैं रोता बहुत आला यार, बहुत आला यार। थैंक यू सो मच फॉर PS5 यार, थैंक यू। मैंने बोल दिया ना दिल की बातें। डब्बे में प्रैंक अभी ये नहीं पता थी वो डब्बे में क्या हो सकता है, होने वाला है अभी। HDMI दिख गई, HDMI दिख यार, ये मैं बस मेरे को कंट्रोलर दिख गया, मैं इसमें खुश हूँ। एक ही कंट्रोलर है लाली, अब यार मुझे लाना पड़ेगा क्या? लेने जाओगे तो भी बहुत महंगा है यार, कंट्रोलर भी बहुत महंगा है। मेरे पास है, कपड़े पहन के खोलूंगा। वैसे मेरा ये बड़ा छोटी सी चीज है मगर बड़ा लाइफ लॉन्ग ड्रीम था कि मुझे ना ये चाहिए था। अच्छा। मैं लेस नहीं रहा था अपने लेके, मतलब क्यों पैसे जाया करूं, मतलब अभी जरूरत नहीं, अभी पहले घर की चीजें हो सब, इसकी जिम्मेदारी पूरी हो। मतलब इससे जाया कर दिए, इससे जाया किया ना? नहीं ना यार, ये क्या खुशी के लिए सब छोड़े, इसकी स्किन भी है, इसकी स्किन भी है। ओए ये है असल। नहीं मेरा यार, मेरा ये माइंडसेट रहा है, और मतलब ऑन अ सीरियस नोट के अभी वो अब शादी वाले हो गए ना, तो जिम्मेदारी है इसके अम्मी और रना प्रायोरिटी, तो मैं अपने खर्चे मार दिए, मतलब नहीं अब ये फजूल खर्चा है, अब इनको ख्याल रखना है। पर थैंक यू, तो रखा तेरा ख्याल रखना है। हां मगर ये नहीं समझे था, ये इतनी मेहनत कर दी है, फायदा थोड़ी इस तरह ले प्यारे प्यारे आंसू तेरे, उसकी तैयारी भी चल रही है इंशाल्लाह। अभी टीवी बड़ा आएगा फिर करूंगा। ओए फ्रेमिंग चल रही है अपने, अब करो प्रेमिंग चल रही है। अच्छे इंसान को दिया मैंने व्लॉग, देखा कितनी मेहनत कर रहा है, हराम दिखा रहा है, जरा कैसे व्लॉग बना रहे हैं हमारे। नहीं नहीं थैंक यू यार, आप लोग सब एक तो पहले आए, हुसैन आए मगर लेट आए यार, ये तो सबकी छोड़ो, ये लो यार मेरा तो गिफ्ट ले लो यार, मेरा तो गिफ्ट ले लो यार जो मैं लाया हूँ। अगर लारिक को कोई गिफ्ट दूंगा तो उसी के कपड़े दूंगा वापस, जो 3 साल बाद दूंगा। जय जी का गिफ्ट है, क्या बात है, मेरे ख्याल से इसमें गिफ्ट है जूते होंगे। नाइस गेस, मुझे लगा नहीं हो पाएगा। बाजिद मेरे डाला लेकर आए गिफ्ट में, ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। आप ही ले, झूठ नहीं बोले, आपने PS5 दिया है। नहीं नहीं यार, बात नहीं छुपाया, ऐसी बात नहीं। केक तो कटा ही नहीं बिला, अच्छा है ये वीडियो के लाए थे तो हमें तो खिलाओ। ये बड़ा वाला केक आप लोग रखा भाई, जो आप लोग टाइम पे नहीं आए थे तो हमने ये बार बार बता के दिल आजारी कर रहे हो यार। दैट इज द रियल स्ट्रगल ब्रो, कैदी भाई स्ट्रगल करेंगे, स्ट्रगल करना सही आ जाएगा। बेल्ट है, बेल्ट है, लेफ्ट क्या होता है, राइट। ये पानी तो बहुत गहरा है, राइट होना, नहीं नहीं मैं टो पे हूँ। हाँ पीछा टो पे भी गर्दन पे आ रहा है, आप यहाँ रखेंगे तो अंदर चला जाएगा, ला रहे हैं आप यहाँ वजन नहीं, यहाँ डायरेक्ट जो इस टाइम फ्रेम मैंने ले लिया है, जो आपका मुंह आ रहा है माशाल्लाह अल्लाह की कसम हसीन तरीन लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हसीन तरीन को भी बुलाया, माशाल्लाह वाकई बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपकी आंखें चमक रही हैं जान। मैं अभी तक जो है ना, क्योंकि वो आपने मेरे लिए इतनी खुशी करी और मैं खुशी से मेरी आंखें चमकती हैं जब भी आप मेरे लिए कुछ चीज़ करते हैं, तो ये जो आपने इतना बड़ा मेरे ऊपर ये जो मैं क्या बोलूँ, आई हैव नो वर्ड्स, मैं वैसे ही इमोशनल हो गया था क्योंकि आप तो हुए मैं क्यों हुई, वो होता है ना कि अकॉम्प्लिशमेंट होती है, जैसे मैंने ईद पे मम्मा को और आपको जब दिया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने मतलब मैं शादीशुदा हो गया, मैंने अपनी बीवी को गिफ्ट दिया, तो मैं मेरे लिए बहुत बड़ा एक झंडा था वाइट फ्लैग, तो वो शायद आपको भी इसलिए होगा, मगर थैंक यू सो मच, मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया, मैं आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू इनफ
फॉर दिस गिफ्ट. यू वेलकम, डोंट माइंड. पर मैंने फिर आपको डांटना था कि आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, आपने से मेरे साथ चल के अपना बीफ स्टेक खाना था और मैंने वो तो मैं खा ही लूंगी. वो तो आप मुझे सारी जिंदगी खिलाने वाले हैं इंशाल्लाह. वंस अगेन थैंक यू. इतनी सारी अरेंजमेंट के लिए, इतनी मेहनत करने के, बीमारी के बावजूद, बीमारी के बावजूद. दूसरा ये कि ये सारे काम मेरे होते हैं और जरनाब ने खुद किए और इसमें जैजी ने भी जरनाब पर शाना बशाना साथ दिया. जैजी ने बहुत साथ दिया बेचारा जैजी. तो जरनाब कूडोज टू यू एंड आई लव यू वेरी मच. आई लव यू मोर देन एनीथिंग. आई लव यू वेरी द मच द मच द मगर द मच. माय गुस्से की दुकान. आप हमेशा मेरी बात सुना, लाइट अगेंस्ट हो या कुछ भी हो मगर ब्राइटनेस हमेशा आपके फेस पर होती है गोलू. तो आई द लव यू द वेरी द मच एंड बी विद मी टिल द एंड इंशाल्लाह. एंड यू आर माय ब्लेसिंग एंड यू आर माय लाइफ एंड यू आर माय द वाइफ. यू आर टू. ओह नहीं वाइफ, अभी भी गोली खा के हटी मैं. न्यू ब्रो सही हो जाएगी इंशाल्लाह. और हफ्ते को धरना पर कान भी कट जाएगा. ओए ओए तो बताया ही नहीं हमने किसी को. हसीन बेगम जो है वो चश्मा लगा लिया उन्होंने. वो बोल रही है कि मैंने करना है पोस्ट फोटो, तो फटाफट से जो है ना भाई पिक्चर दिखा दो. ओवरफर की सर्विस चेक कर रहे हैं. वो अपने सारे गैजेट्स लेकर आए कि हाथ के हाथ काम कर रहे हैं. और अगर आपके सर में जुए हैं तो इस तरफ हो जाए. भाई अभी ना 11:59 हो रहे हैं और सब अपने अपने कामों में लगे. किसी को याद नहीं है कि मेरी बर्थडे है. सब जो है ना वो शूट मूड में लगे हुए हैं. और जो है ना ये देखें, ये तस्वीरों में लगे हुए हैं कि बस पोस्टिंग करनी है रबी का फुल. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लाली लाली. नहीं मैं रो लिया, समझ नहीं रहा मैं खुश हूँ. अभी तो PS5 मिल गया. अब मैं भी सीख जाऊंगा. हमारी दुआएं आपके साथ हैं. आमीन आमीन. और बिल्ली का सबसे पहला विषय है भाई जो WhatsApp पे है. मुझे खुद जनवनी केक. अब बिग शाउट आउट मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी मेंशन करूंगी. केक जनवनी बहुत अच्छा है, केक सबको बहुत अच्छा लगा. जैदी नहाते हुए छोड़ कर आए हैं गीला. जैदी उर्दू में ठंडा तो इंग्लिश में कूल. बेगम वी हैव टू गो इन पूल. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. टेलनोर ऑफिस में खुश आमदीद. उर्दू में हिदायत के लिए एक दफा टॉक इन इंग्लिश प्रेस टू. मैं कैमरे मारू क्या करना चाह रहे हैं ये. वैसे दिख नहीं रहा है गाइस, एक्सक्यूज फॉर द बैड लाइटनिंग. चले लाली फ्रिज में रख दिए किसी ने. कोई बहुत अकलमंद इंसान है हमारे बीच. ये पता है कितने टाइम से तीनों यहीं पर हैं और मैं अभी आई हूँ. हमारे चौकीदार का नाम साजिद है. चाचू हमारे माजिद हैं. गौर से देखिए इन्हें. ये हमारी बकरा ईद का बछड़ा वाजिद है. डायरेक्टर साहब जो है वो डायरेक्शन देते हैं. मेरी बेगम ने बोला है कि मुझे खेलना है गेम और वो मुझे खसूसन पूल से निकाल के लेकर आएगा. मुझे स्विमिंग पूल से निकाल के बोल रही है कि मेरे साथ खेले. थ्री टू वन गो. ओए भाई अरे ओए आपकी रेड है. जरनाब का साथ देना है ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद. हुसैन तरीन चलो वहां से खेल ना. तू वहां से खेल, वहीं से खेल. मेरी साइड पर रवि का आ गई. ओ टू टू रवि का जीत रहे. लाल वालो लाल लाल. ओ भाई हेलो मेरी है. ये वाली यहाँ पे रख दी.
चलो चलो चलो, ये लास्ट है, बस जीत रहे हम। उसे इतना इजी है यार। काशिफ खान मारते हुए, हाँ नहीं यहीं से करना है, यहाँ से। चलो लाली जीत गया। मेहमानों का टोला खेल रहा है वो दोनों। अगर ये चली गई तो हम सेकंड आ गए। आसानी दी, आज अगर ना खेलो विनिंग में यार। नहीं नहीं हुसैन, तुम पे नहीं 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 नहीं, तुम चलो आ जाओ। कितने खुद खेले मैंने, खेले उन्होंने। ओए वो देखो, वो देखो, बेईमान बेईमान। सही है, सही है, सही है। अरे ओए जैदी ने गेंद अंदर फेंक दी, मेरा प्लेयर पिक किया। अच्छा वाइब है, बहुत अच्छा इनका सेटअप है। आ रहा हूँ लाली। और ये रहा डाइनिंग एरिया, आपका ओपन किचन, वॉश एरिया, वॉशिंग एरिया, नहा धो लो, फ्रेश हो जाओ। पीछे जू है छोटा सा, प्लस रूम्स बड़े अच्छे हैं। मज़ा आया। इनका पूरा सिटिंग लाउंज। और ये रहे कुछ इंडोर एक्टिविटीज सच एज स्नूकर्स, फूसबॉल और कैरम। ये रहे सारे जानवर जो दिख नहीं रहे क्योंकि अंधेराज हो रहा है। और ये है रूम्स, सी नॉन है। आई हाईली रिकमेंड यू गाइस, अगर फैमिली के इवेंट्स हैं तो यहाँ पर करो, क्योंकि बहुत अच्छा स्पेशियस एरिया है, प्लस सब अच्छे से अकोमोडेट हो सकते हैं। और वाइब बड़ी अच्छी है इसकी, मतलब समथिंग डिफरेंट। ये जितने फार्म हाउसेज हमें हैं उनसे बहुत डिफरेंट है इसका सीन। 12 पेजेस की है मेरी सीवी। पानी में क्यों नहीं आ रही आप मेरी प्यारी बीवी? भाई आप चश्मा लगा के दिखाएंगे, पानी में नहीं आ रही। तो गाइस आप देखेंगे वेल्डिंग करते हुए इंसान कैसा लगता है। ये भाई इश्तियाक डेंटर। जून के महीने में ये मम्मी हमला है, कोट पैंट पहन के। मेरी हसीन बीवी जो है वो सो गई है बेचारी। उन्होंने तबीयत ख़राब होने के बावजूद बहुत मेहनत करके मेरे लिए सरप्राइज अरेंज करा और मेरी ज़िंदगी का सबसे महंगा गिफ्ट दिया मुझे। थैंक यू बाबा। और इतनी अजियत में आपने सारी चीज़ें करी। और इनका पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया, मेरे लिए चार्ज होकर चल रही थी। इनके कान में भी मसला आया हुआ है, उनको एक और सेलुलाइटिस पैर पर हो गया है, तबीयत इनकी और ख़राब थी, फीवर भी है, मगर फिर भी ये शाना बशाना खड़ी रही और इन्होंने सारी चीज़ें अरेंज करी हुई, सब करा। थैंक यू, आई लव यू बाबा, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय वाइफ, आई लव यू वेरी मच। सबकी पैकिंग करके आपको उठाता हूँ। कासा डी फसेंडा ने हमें किया था आज के लिए केटर। तो भाई आज का हमारा जो बर्थडे का मेरा सरप्राइज़ है व्लॉग था वो ये था। जरनाब की तबीयत बिल्कुल आउट है तो वो गाड़ी में सो गई है, बाकी बॉयज़ अब सब पैकअप कर चुके हैं, रैप अप हो गया है। और वाजिद मेरी तरफ दबा दबा हो रहे हैं कि आप चल ले वरना मैं मार दूंगा। और सामान बहुत सारा हो गया, जब आए थे तो सामान था नहीं, जाते पता नहीं कैसा सामान ज़्यादा हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रही है। और क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त गिफ्ट लाए थे ना तो वो बहुत सारे हो गए, तो मैं हमारी आलू बेटा। ओरे भाई यार इतना प्यारा लग रहा है, चीसा। हाँ, वैसे लगता बहुत प्यारा। भाई मैं तो बोलूंगा जब तक आपके सफेद बाल होंगे तब तक बोलूंगा। अच्छा यस, आलू अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम इनकी बर्थडे में आए, यकीन माने हम चारों ने एक भी पिक्चर। हाँ क्योंकि मस्तियों में लगे हुए थे और एंड में थक गए। हाँ एंड में थक गए, जैबू सो गए, मैं अभी ले जैबू को तो पेट्रोल सीएनजी डीजल सब खत्म हो गया, उसके तो सब खत्म हो गया। बोला कि भाई अब आप सो जाओ अभी एक तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। मैंने उसको जाते बोला, मैंने कहा जन्ना एक घंटे का रास्ता दे रहा हूँ, मेरा 45 मिनट होगा। नहीं यार ये नहीं हो सकता। हमारा जो है व्लॉग यहीं तक था, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें कि जरनाब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो आए, थैंक यू फॉर ऑल द विशेज जो आप लोगों ने इतनी सारी विशेज मुझे दी और इतनी सारी दुआएं दी, जिसी का नतीजा है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं और हमें अपने तरह सपोर्ट करते रहें।
बहुत सारा प्यार बरसाते रहे, मैं आप सबकी विशेस देखूंगा। लाली आउट, एवरीवन आउट, ओके। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में लाली को हैप्पी बर्थडे बोलिएगा। ओके बल्ला, ओके बाय। टाइम से सर पिछले आधे घंटे से रैम और जैसे लगे हुए हैं कि हुसैन को गिराएंगे और नहीं गिरा पा रहे, दोनों मिलके नाकाम कोशिश रैम यार। ओए बीच बीच में ओए हो रहा है, गुस्सा आ गया। नहीं 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 नहीं, ओए यार।